हेलो नमस्कार साथियों, यहाँ पूरा इंटरव्यू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों चलिए आज हम लोग बीपीएससी टीचर दोस्तों जो बिहार में आगामी एग्जाम होने वाला है दोस्तों 24 अगस्त को, उसके लिए दोस्तों हम लोग साइंस पार्ट का साइंस जो 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका पार्ट ये 4 होगा दोस्तों। पार्ट 4 वीडियो बनाया जा रहा है, थ्योरी का है दोस्तों। आप लोग इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा। किरण पब्लिकेशन का है दोस्तों, सेल्फ स्टडी बुक का है ये, आप लोग इसको जरूर से जरूर एक बार देखिएगा सब। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं लगे तो नहीं कीजिएगा। चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 1 to 5 के लिए कारगर होगा दोस्तों। चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। साइंस कंप्लीट करने के बाद दोस्तों हिस्ट्री करेंगे कंप्लीट, क्योंकि हिस्ट्री से फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा ज़्यादा वेटेज में दोस्तों। आज इस चैप्टर पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं साथियों उस चीज मापन एवं गति। साथियों हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए भौतिक राशि देखिए, वैसी राशि जिसे मापा जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं दोस्तों। इन्हें निम्नलिखित 2 वर्गों में बांटा गया है। पेन को हम चेंज कर लेते हैं। देखिए मूल राशि, मूल राशि दोस्तों वैसी राशि जो दूसरे पर निर्भर ना हो उसे मूल राशि कहते हैं, तथा इसकी संख्या 7 है। जैसे आप देखिए लंबाई हो गया आपका, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, विद्युत धारा हो गया, ज्योति तीव्रता हो गया, पदार्थ की मात्रा तथा ताप दोस्तों। चलिए दूसरा देखिए व्युत्पन्न राशि दोस्तों, वैसी राशि जो मूल राशि पर निर्भर रहती है। क्या व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं, वैसी राशि जो मूल राशि पर निर्भर रहती है उसे हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे आपका चाल हो गया, क्षेत्रफल हो गया, बल हो गया, ऊर्जा हो गया और काज हो गया साथियों, दाब हो गया, घनत्व हो गया, आयतन दोस्तों। चलिए यह 2 प्रकार की होती है, कौन कौन होती है उसको देखते हैं। पहला हो गया मूल मात्रक, मूल राशि को मापने के लिए जिस पैमाने का उपयोग करते हैं उसे हम मूल मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई मीटर, लंबाई का हो गया मीटर दोस्तों, लंबाई का मात्रक क्या हुआ मीटर। ताप का जान रहे हैं आप लोग केल्विन होता है, द्रव्यमान का जान रहे हैं किग्रा होता है, ज्योति तीव्रता का भी आप लोग जानते हैं कैंडेला होता है, समय का सेकेंड होता है और पदार्थ की मात्रा का मोल होता है दोस्तों। अब विद्युत धारा का क्या होता है, एम्पियर होता है, याद रखिएगा इसको। एक बार फिर से देख लीजिए, लंबाई का मीटर होता है, ताप का केल्विन होता है, द्रव्यमान का किग्रा होता है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, और समय का सेकंड होता है, पदार्थ की मात्रा का मोल होता है और विद्युत धारा का एम्पियर होता है। चलिए दूसरा देखते हैं व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप तथा ज्योति तीव्रता को के अतिरिक्त अन्य सभी भौतिक राशियों के मात्रक एवं मात्रक एक अथवा अधिक मूल मात्रकों पर उपयुक्त घातें पावर्स लगाकर प्राप्त कर किए जाते हैं। ऐसे मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं दोस्तों। जैसे देखिए भिन्न राशियों के व्युत्पन्न मात्रक, क्षेत्रफल हो गया, लंबाई गुणे चौड़ाई उसे हम क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। क्षेत्रफल क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ये क्षेत्रफल का मात्रक क्या हुआ, लंबाई का मात्रक गुणे चौड़ाई का मात्रक बराबर क्या हुआ, मीटर गुना मीटर बराबर मीटर दोस्तों। आयतन देखिए, आयतन का क्या हुआ, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दोस्तों। आयतन का मात्रक हो गया लंबाई का मात्रक, चौड़ाई का मात्रक और ऊंचाई का मात्रक दोस्तों। मीटर गुना मीटर बराबर हो गया मीटर गुणे मीटर क्यूब दोस्तों। चलिए घनत्व बराबर देखिए, द्रव्यमान बटे आयतन दोस्तों। घनत्व का मात्रक है, द्रव्यमान का मात्रक हो गया आपका किग्रा और आयतन का मात्रक हो गया दोस्तों मीटर क्यूब, तो हो गया किग्रा मीटर क्यूब दोस्तों। इसी तरह चलिए घनत्व को ग्राम बटे सेंटीमीटर क्यूब में व्यक्त कर सकते हैं दोस्तों। घनत्व को 1 किग्रा बटे मीटर क्यूब बराबर 10^3 ग्राम बटे 10^3 सेमी दोस्तों, यानी 10^-3 ग्राम सेमी क्यूब दोस्तों। बटे में गया दोस्तों तो माइनस ऊपर आया।
देखिए चाल, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय दोस्तों, चाल को कहते हैं। चाल का मात्रक क्या होता है, दूरी का मात्रक मीटर होता है, दूरी का मात्रक मीटर, और समय का मात्रक सेकेंड होता है दोस्तों, समय का मात्रक सेकेंड होता है। त्वरण देखिए, त्वरण हो गया चाल, चाल बराबर हो गया परिवर्तन बटे समय दोस्तों, मतलब त्वरण बराबर हो गया चाल दोस्तों, चाल बराबर हो गया परिवर्तन बटे समय। त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड दोस्तों, मीटर बटे सेकेंड, अगर अगर हम इसे लिखेंगे तो मीटर माइनस वन होगा दोस्तों, इसको मीटर प्रति सेकेंड हो गया, और सेकेंड बराबर हो गया सेकेंड स्क्वायर दोस्तों। बल बराबर देखिए, द्रव्यमान गुणे त्वरण हुआ दोस्तों, बल का मात्रक आपका किरगा माइनस मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया दोस्तों। बल का मात्रक को न्यूटन से, बल के मात्रक को क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं। एक न्यूटन बराबर एक किरगा, यानी एक किरगा मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कार्य बराबर बल गुणे दूरी दोस्तों, कार्य का मात्रक हो गया न्यूटन, न्यूटन गुणे मीटर, और इसलिए हुआ किरगा मीटर स्क्वायर बटे सेकेंड स्क्वायर दोस्तों। कार्य के मात्रक को जूल भी कहते हैं, ऊर्जा का भी वही मात्रक है जो कि कार्य का है। एक जूल बराबर होता है न्यूटन गुणे मीटर बराबर किरगा मीटर स्क्वायर बटे सेकेंड स्क्वायर दोस्तों। देखिए शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर कार्य बटे समय दोस्तों। शक्ति का मात्रक क्या है, जूल बटे सेकेंड। शक्ति का मात्रक क्या हुआ, जूल बटे सेकेंड दोस्तों। शक्ति को मात्र, शक्ति के मात्रक को वाट कहते हैं, क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। एक वाट बराबर एक जूल बटे सेकेंड दोस्तों। इस प्रकार किसी भी राशि के मात्रक को मूल मात्रकों, किसी भी राशि के मात्रक को मूल मात्रकों से व्युत्पन्न किए जा सकते हैं दोस्तों। प्रकाश वर्ष और एंगस्ट्रम देखिए, प्रकाश वर्ष और एंगस्ट्रम, प्रकाश वर्ष और प्रकाश वर्ष लाइट ईयर दोस्तों। एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो कि प्रकाश रिक्त स्थान से, रिक्त स्थान एक वर्ष में तय करता है। एक वर्ष में 365 × 24 × 60 × 60 सेकेंड होते हैं, तथा प्रकाश एक सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर दूरी तय करता है दोस्तों। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, 3.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड गुणे 365 × 24 × 60 × 60 सेकेंड, यानी 9.46 × 10⁻¹ मीटर क्यों दोस्तों। ये 10⁻⁶ मीटर बराबर दोस्तों लगभग होगा 10⁻³ किलोमीटर लगभग दोस्तों। एक प्रकाश वर्ष बराबर हो जाएगा आपका 9.47 × 10⁻¹ मीटर, कितना होगा, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻¹ मीटर दोस्तों। अगर यही किलोमीटर में पूछेगा दोस्तों तो यहाँ 10⁻¹ की जगह 12 हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। एंगस्ट्रम देखिए, एंगस्ट्रम क्या होता है, परमाणुवीय एटॉमिक तथा नाभिकीय न्यूक्लियर भौतिक में लंबाई का सूक्ष्म मात्रक मात्रक प्रयोग होता है, इसे एंगस्ट्रम कहते हैं, जिसे एंगस्ट्रम से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। यह प्रकाश की तरंग दैर्ध्य तथा परमाणु के आकार को व्यक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है। एंगस्ट्रम माइक्रोन, एक एंगस्ट्रम का माइक्रोन 10^10,000 भाग होता है दोस्तों, यानी एक एंगस्ट्रम के बराबर 10⁻⁴ माइक्रोन दोस्तों, यू बराबर 10⁻⁻⁰ मीटर दोस्तों, माइक्रोन बराबर दोस्तों। एक एक्सरे का मात्रक तो 10⁻⁷ मीटर क्यूब दोस्तों। विज्ञान में मात्रकों की, विज्ञान में मात्रकों की एसआई प्रणाली में दूरी का मात्रक मानक है, विज्ञान में मात्रकों की एसआई प्रणाली में दूरी का मात्रक मानक मीटर है। द्रव्यमान का मात्रक मानक किलोग्राम है, क्या है, मानक किलोग्राम। समय का मात्रक मानक सेकंड तक। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है, क्या है, एम्पियर। ताप का मात्रक केल्विन है, और ज्योति तीव्रता का मात्रक केल्विन है दोस्तों। देखिए विज्ञान में मात्रकों की एसआई प्रणाली में दूरी का मात्रक मानक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक मानक किलोग्राम है, और समय का मात्रक मानक सेकंड है, विद्युत धारा का मात्रक दोस्तों एम्पियर है, और ताप का मात्रक केल्विन है, ज्योति तीव्रता का मात्रक केंडला दोस्तों। निम्न आगे चलते हैं, अदिश एवं सदिश राशि दोस्तों, देखिए स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज दोस्तों। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है, एक अदिश दूसरा सदिश दोस्तों। अदिश सेकुलर के आवास, स्केलर के आवास दोस्तों वे भौतिक राशियां जिसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है, अदिश राशियां कहलाती है। क्या होता है, वे भौतिक राशियां जिसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है, क्या कहलाती है, अधिस राशियाँ कहलाती है। यानी वो जिसकी, यानी जिसकी कोई दिशा नहीं होती है, नहीं होती कि वे किधर जा रही है या आ रही है, ऐसे आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे प्रमुख अधिस राशियाँ दूरी हो गया, प्रमुख अधिस राशि के उदाहरण देखिए साथियों, आपका दूरी है अधिस राशि, द्रव्यमान हो गया आपका अधिस राशि, याद रखिएगा, फिर आपका तापमान अधिस है, ऊर्जा आपका अधिस है, काम आपका अधिस है,
काम मात्रा आदि से, क्षेत्रफल आपका आदि से, दबाव आपका आदि से, दबाव जिसे दाब कहते हैं, शक्ति आदि से, समय आदि से, करंट आदि से, अवधि आदि से, आकार आदि से राशि है और घनत्व भी आदि से राशि है दोस्तों। चलिए हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए वेक्टर वे भौतिक राशियां जिसमें परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, सदिश राशियां कहलाती है। क्या कहलाती है? सदिश राशियां, यानी जिनका पता है कि वे कौन सी दिशा में जा रही है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं साथियों। देखिए प्रमुख सदिश राशियां दोस्तों कौन कौन है? रेखीय विस्थापन, रेखीय वेग, रेखीय त्वरण, रेखीय संवेग बल, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, कोणीय संवेग, बलाधुन, चुंबकीय क्षेत्र प्रेरणा, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, चुंबकन तीव्रता, चुंबकीय अधुन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत धारा घनत्व, विद्युत आघूर्ण आदि। दोस्तों फिर से एक बार देख लिया जाए, सदिश राशि में कौन कौन आते हैं थोड़ा उसको ध्यान से देखिए। रेखीय विस्थापन आपका आ जाएगा, फिर आपका रेखीय वेग आएगा, रेखीय त्वरण आ जाएगा, रेखीय संवेग आएगा दोस्तों, ये सब सदिश राशि। बल हो जाएगा सदिश राशि, कोणीय हो गया सदिश राशि, कोणीय विस्थापन भी सदिश राशि है, कोणीय वेग सदिश राशियां हैं दोस्तों, कोणीय त्वरण सदिश राशियां, कोणीय संवेग सदिश राशियां, बल आधुन सदिश राशियां, चुंबकीय क्षेत्र प्रेरणा सदिश राशियां हैं दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता सदिश राशि, चुंबकन तीव्रता भी सदिश राशियां हैं, चुंबकीय आधुन दोस्तों ये भी सदिश राशियां, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशियां, विद्युत धारा दोस्तों ये भी सदिश राशियां, विद्युत ध्रुव आधुन दोस्तों ये भी सदिश राशियां हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। दूरी तथा विस्थापन, देखिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय किए गए मार्ग की संपूर्ण लंबाई की लंबाई को चली गई दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय किए गए मार्ग को संपूर्ण लंबाई को चली गई दूरी कहते हैं दोस्तों। देखिए जबकि वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की सीधी दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? वस्तु का विस्थापन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूरी क्या है दोस्तों? दूरी एक अदिश राशि है। क्या अदिश राशि है दोस्तों? जिसमें केवल परिणाम होता है, परंतु विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन क्या सदिश राशि है? जिसमें परिणाम और दिशा दोनों होते हैं दोस्तों। विराम, देखिए विराम आपका रेस्ट, जब कोई कण वस्तु समय के साथ स्थान में परिवर्तन ना करे तो उस वस्तु को विराम में कहा जाता है, जैसे प्लेटफॉर्म, वृक्ष, घर, सड़क इत्यादि दोस्तों। गति मोटिशन, देखिए जब कोई कण या वस्तु समय के साथ स्थान में परिवर्तन करता है तो उस वस्तु को गति में कहा जाता है, जैसे नदियों में जल का बहाव, झूला झूलना, चलती हुई गाड़ी इत्यादि दोस्तों। मोटिशन दोस्तों, जब कोई कण या वस्तु समय के साथ स्थान में परिवर्तन करता है तो उस वस्तु को गति में कहा जाता है, जैसे नदियाँ में जल का बहाव, झूला झूलना, चलती गाड़ी इत्यादि दोस्तों। गति के प्रकार, देखिए पहला है रेखीय गति, जब कोई कण या वस्तु एक रेखा में गति करता है तो उसे रेखीय गति कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखीय गति, जैसे धनुष से निकला तीर, एक पिस्तौल से चली गोली हमेशा एक सीधी रेखा में चलती है दोस्तों। दूसरा देखिए वृत्तीय गति, देखिए जब कोई कण वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। क्या बोला गया? वृत्तीय गति दोस्तों, जब कोई कण वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे देखिए सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, मौत के कुएं में गाड़ी की गति इत्यादि दोस्तों। तीसरा पॉइंट देखिए घूर्णन गति या बर्तुला गति, घूर्णन गति या बर्तुल गति दोस्तों, जब कोई कण या वस्तु अपने अक्ष के अनुदिश गति करती है तो उसे घूर्णन गति कहते हैं। जैसे एक बर्फ की रिंक पर घूमता हुआ एक स्केटर पंखा की गति या पृथ्वी की गति और वाहनों की पहिए की गति दोस्तों। देखिए घूर्णन गति या बर्तुल गति, जब कोई कण या वस्तु अपने अक्ष के अनुदिश गति करता है तो उसे घूर्णन गति कहते हैं। जैसे एक बर्फ की रिंक पर घूमता हुआ एक स्केटर पंखा की गति, पृथ्वी गति, वाहनों के पहिए की जाती है दोस्तों। चौथा देखिए आवर्त गति, जब कोई कण या वस्तु अपने पथ को दोहराता है तो उसे आवर्त की गति कहते हैं।
झूला की गति, झूला गति, घड़ी के पेंडुलम की गति और वृक्ष के शाखाओं की गति। आपत गति किसे कहते हैं? फिर से देखिए, जब कोई कण या वस्तु अपने पथ को दोहराता है तो उसे आवर्त को आवर्त की गति कहते हैं। जैसे झूला की गति, घड़ी के पेंडुलम गति, वृक्ष के शाखाओं गति, ये क्या है? आवर्त गति है। दोलनी गति देखिए, पांचवा पॉइंट है, जब कोई कण वस्तु के निश्चित समयांतराल में निश्चित बिंदु से आगे पीछे ऊपर नीचे गति करती है तो उसे दोलनी गति कहते हैं। जैसे एक झूला, एक पेंडुलम गति, एक नदी के ऊपर नीचे एक नाव, ट्यूनिंग कांटा, सिलाई मशीन की सुई की गति। दोस्तों फिर से देखिए, दोलनी गति दोस्तों, जब कोई कण या वस्तु निश्चित समयांतराल में निश्चित बिंदु से आगे पीछे ऊपर नीचे गति करती है तो उसे दोलनी गति कहते हैं। जैसे एक झूला, एक पेंडुलम की गति, एक नदी के ऊपर और नीचे एक नाव, ट्यूनिंग आटा, सिलाई मशीन की सुई की गति। दोस्तों छठा देखिए, आवधिक गति दोस्तों, छठा क्या? आवधिक गति, पीरियोडिक मोटेशन दोस्तों। एक गति जो समय के साथ समय के बराबर अंतराल के बाद खुद को दोहराती है उसे आवधिक गति कहते हैं। क्या कहते हैं? आवधिक गति, आवधिक गति के रूप में जानी जाती है। जैसे उदाहरण देखिए, एक चलती हुई पेंडुलम, एक काम की घड़ी के हाथ, एक चलती हुई पेंडुलम, एक काम की घड़ी के हाथ, यानी पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। यदि आदि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए, बल है दोस्तों, फोर्स है। बल वह बाहरी कारक है, जिसकी सहायता से किसी वस्तु के स्थान का परिवर्तन करते हैं या करने की चेष्टा करते हैं। बल का एसआई मात्रा न्यूटन है तथा यह एक सदिश राशि है दोस्तों। क्या है? एक ये सदिश राशि है। डाइन और न्यूटन दोनों सीजियस और एसआई प्रणाली बल की इकाई है दोस्तों। न्यूटन और डाइन को किलोमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बटे सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर के रूप में भी लिखा जा सकता है, क्योंकि बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है दोस्तों। एक डाइन बराबर क्या होता है? 10^-5 न्यूटन, 10^-5 केजी बराबर 1.1 केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दोस्तों। बल के प्रकार देखिए दोस्तों, पेशीय बल पहला बल है। पेशीय बल मनुष्य या जीव जंतुओं के पेशियों के द्वारा लगाए गए बल को पेशीय बल कहते हैं। जैसे बैल द्वारा गाड़ी खींचना, किसी भी वस्तु को उठाना, ये सब क्या? पेशीय बल का उदाहरण दोस्तों। दूसरा देखिए, गुरुत्व बल। देखिए गुरुत्व बल क्या होता है साथियों, जानिए। पृथ्वी और किसी वस्तु के बीच लगने वाले बल को गुरुत्व बल कहते हैं। जैसे पेड़ की पत्ती एवं फल के नीचे गिरना, पत्थर को ऊपर फेंकने से पुनः नीचे आ जाना दोस्तों, क्या है? गुरुत्व बल दोस्तों। पृथ्वी और किसी वस्तु के बीच लगने वाले बल के गुरुत्व बल कहते हैं। जैसे पेड़ की पत्ती एवं फल का नीचे गिरना, पृथ्वी को ऊपर फेंकने से पुनः नीचे आ जाना दोस्तों, उसे गुरुत्व कहते हैं। देखिए अंतरान्विक बल दोस्तों, अंतरान्विक बल क्या होता है? पदार्थ के कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल को आंतरिक बल कहते हैं दोस्तों। ठोस पदार्थ देखिए, आंतरिक बल सबसे अधिक परंतु गैसीय पदार्थ में सबसे कम लगता है। आंतरिक बल जो है दोस्तों, पदार्थ के कणों के बीच लगने वाले आकर्षण बल का आंतरिक बल कहते हैं दोस्तों। ठोस पदार्थ में आंतरिक बल सबसे अधिक परंतु गैसीय पदार्थों में सबसे कम लगता है। तीसरा पॉइंट देखिए, घर्षण बल दोस्तों, दो वस्तुओं में एक गतिशील वस्तु के बीच लगने वाले गति के विपरीत बल को घर्षण बल कहते हैं। इसे बार देखिए, देख लिया जाए, जब दो वस्तुओं में एक गतिशील वस्तु के बीच लगने वाले गति के विपरीत बल को घर्षण बल कहते हैं हम। देखिए जैसे मनुष्य का पृथ्वी पर चलना, वाहनों के पहिए का चलना, इसमें क्या? विपरीत घर्षण बल दोस्तों। घर्षण को कम करने के लिए सतह पर ग्रीस, मोबिल, स्नेहक तथा पाउडर का उपयोग किया जाता है घर्षण बल को कम करने के लिए दोस्तों।
घसा को कम करने के लिए वाहनों के टायर गोटीदार बनाए जाते हैं। बल के गुण देखिए, बल लगाकर किसी वस्तु को गति से गति में लाया जा सकता है, बल लगाकर किसी वस्तु को गति में लाया जा सकता है। दूसरा पॉइंट देखिए, बल लगातार गतिशील वस्तु को विराम में, बल जो है लगातार गतिशील वस्तु को विराम में लाया जा सकता है दोस्तों। बल लगाकर गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन लाया जा सकता है, बल लगाकर गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन लाया जा सकता है। कार्य देखिए, कार्य हो गया वर्क दोस्तों, किसी वस्तु पर लगाया गया बल, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसकी स्थिति में परिवर्तन कर दे तो यह कहा जाता है कि वस्तु का कार्य किया गया है। कार्य एक कैसी राशि है? अदिश राशि है साथियों। तो इसका एसआई मात्रक जूल यानी सीजीएस मात्रक में अर्घ होता है। कार्य क्या होता है? सीजीएस मात्रक में अर्घ दोस्तों। कार्य तभी हुआ माना जाता है जब किसी वस्तु पर कोई बल लगे, वस्तु को अपने स्थान से विस्थापित हो जाती है। कार्य व्यवहार हो गया दोस्तों फोर्स यानी बल बटे विस्थापन डिस्प्लेसमेंट दोस्तों। देखिए, पढ़ना, लिखना, सोना, बैठना, हंसना, रोना इत्यादि विज्ञान की भाषा में कार्य नहीं समझा जाता है दोस्तों। ये हम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं साथियों। आप लोग अगर वीडियो देखते हैं तो लाइक जरूर से जरूर वीडियो कीजिए और कमेंट भी कीजिए दोस्तों कि हाँ वीडियो इसी तरह अपलोड करते रहें कि नहीं रहें। जो चीज़ नहीं समझ में आता जरूर से जरूर कमेंट कीजिए दोस्तों, सिर्फ वीडियो देखिए ही नहीं, अपने दोस्तों में भी शेयर भी कीजिए। शून्य कार्य देखिए दोस्तों, शून्य कार्य वह कार्य जिसमें बल लगाए जाने के बाद भी कोई भी विस्थापन उत्पन्न ना हो, शून्य कार्य कहलाता है। चलिए, एक समान वेग से गतिशील वस्तु पर कुल बल द्वारा किया जाने वाला कार्य जीरो होता है दोस्तों। कण पर कुल बल शून्य हो तब किया जाने वाला कार्य शून्य होता है। जब हम दीवार को धक्का देते हैं और यह विराम में रहती है तब कार्य जीरो होता है दोस्तों। जब लोलक दोलन गति करता है तब तनाव बल किया गया कार्य जीरो होगा दोस्तों। जब नाभिक के चारों ओर गतिमान हो तब आकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य जीरो होगा दोस्तों। क्या बोला गया? जब नाभिक के चारों ओर गतिमान हो तब आकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य जीरो होगा। यदि कुली एक समान को क्षैतिज सतह पर ढोकर ले जाता है तब गुरुत्व के विरुद्ध किया गया कार्य शून्य होगा दोस्तों। गुरुत्व के विरुद्ध किया गया कार्य क्या होगा? शून्य साथियों। ऊर्जा देखिए, एनर्जी, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा एक अदिश राशि है दोस्तों। क्या है? अदिश राशि है ऊर्जा दोस्तों। अर्थात इसमें सिर्फ परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है दोस्तों। इसका ऐसा ही मात्र जूल होता है। क्या होता है? जूल दोस्तों। एक जूल कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को एक जूल ऊर्जा कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? एक जूल ऊर्जा। एक किलो जूल बराबर क्या होता है साथियों? 1000 जूल होता है। क्या होता है? 1000 जूल। कार्य या ऊर्जा के मात्रक के रूप में जूल का नाम ब्रिटिश भौतिक शास्त्रीय जेम्स प्रेस्कॉट जूल के नाम पर रखा गया दोस्तों। किसी वस्तु द्वारा खुद पर किए गए कार्य से उत्पन्न ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यह दो प्रकार की होती है। पहला हो गया स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा हो गया गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी दोस्तों। पहला कौन होगा? स्थितिज ऊर्जा दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी। पहला देखिए, स्थितिज ऊर्जा क्या हुआ? पोटेंशियल एनर्जी, अपने स्थान या आकार की वजह से किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु की स्थिति या आकार की वजह से उसमें उत्पन्न ऊर्जा को हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। उदाहरण के लिए संकुचित धागे की ऊर्जा, ऊंचाई पर एकत्रित जल की ऊर्जा, एक घड़ी में लगे स्प्रिंग की ऊर्जा दोस्तों। फिर से देखा जाए उदाहरण, संकुचित धागे की ऊर्जा, ऊंचाई पर एकत्रित जल की ऊर्जा, एक घड़ी में लगे स्प्रिंग की ऊर्जा दोस्तों। जमीन से ऊपर अपनी स्थिति की वजह से किसी वस्तु में उत्पन्न ऊर्जा को गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं दोस्तों। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, वस्तु के आकार और आकृति में बदलाव की वजह से
उत्पन्न ऊर्जा को प्रत्यास्था इलास्टिसिटी स्थिति ऊर्जा कहते हैं दोस्तों। चलिए तीसरा पॉइंट देखिए, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में किसी वस्तु के गतिशील ऊर्जा की ही होती है। फिर से देखिए, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में किसी वस्तु की स्थिति ऊर्जा ही होती है, जहाँ एम बराबर द्रव्यमान और जी बराबर गुरुत्वीय त्वरण, एच बराबर पृथ्वी की सतह की वस्तु की ऊंचाई दोस्तों। दूसरा पॉइंट देखिए, गतिज ऊर्जा दोस्तों, गतिज ऊर्जा क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी साथियों, काइनेटिक एनर्जी होता है किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा। यदि एम द्रव्यमान की वस्तु भी गति से इस गतिशील है तो वस्तु का गतिज ऊर्जा 1/2 mv² होता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज की ओर दोस्तों, क्वेश्चन की ओर। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। सूत्र से यह स्पष्ट है कि यदि वस्तु का द्रव्यमान दुगुना हो जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा भी दुगुनी हो जाएगी दोस्तों। क्या बोला गया, यदि वस्तु का द्रव्यमान दुगुना हो जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा भी दुगुनी हो जाएगी साथियों। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यदि वस्तु का द्रव्यमान आधा हो जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा भी क्या होगी, आधी हो जाएगी साथियों, ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यदि वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी दोस्तों। यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, 4 गुनी दोस्तों। यदि वस्तु का वेग आधा कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 1/4 रह जाएगी दोस्तों। नोट देखिए, कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिसमें गतिज एवं स्थिति ऊर्जा दोनों होती है, जैसे छत पर दौड़ता हुआ बालक, उड़ता हुआ हवाई जहाज, उड़ती हुई चिड़िया इत्यादि दोस्तों। देखिए ऊर्जा का रूपांतरण, देखिए दोस्तों यह एक सर्वविदित तथ्य है दोस्तों कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है दोस्तों। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। ऊर्जा के इस रूप से दूसरे रूप में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्जा हस्तांतरण कहते हैं। ऊर्जा हस्तांतरण के कुछ सामान्य उदाहरण निम्न हैं दोस्तों, जैसे देखिए, पहला, ऊंचाई से गिरने वाली वस्तु क्या होती है, ऊंचाई से गिरती हुई वस्तु स्थिति ऊर्जा और गति ऊर्जा में रूपांतरित होती है दोस्तों। क्या बोला गया, ऊंचाई से गिरती वस्तु की स्थिति ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करती है, रूपांतरित करती है। दूसरा, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सरल लोलक में कंपन करता गोलक दोस्तों, सरल लोलक में गोलक की स्थिति ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में व गतिज ऊर्जा का स्थिति ऊर्जा में रूपांतरण होता है दोस्तों। तीसरा पॉइंट देखिए, पत्थर के टुकड़ों को आपस में रगड़ना दोस्तों, जब दो पत्थर के टुकड़ों को आपस में रगड़ा जाता है तो ये गर्म हो जाता है, इस प्रक्रिया में गतिज ऊर्जा का उष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण होता है। चौथा पॉइंट देखिए, विद्युत हीटर, बिजली के हीटर में धारा प्रवाहित की जाती है तो यह गर्म होकर चमकने लगता है, इस प्रक्रिया को विद्युत ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट पहले देखते हैं साथियों, देखिए पांचवा पॉइंट क्या है, जल विद्युत पावर स्टेशन दोस्तों, बांध से संचित जल में अपार स्थिति ऊर्जा होती है। जब जल को ऊंचाई से गिराया जाता है तो जल स्थिति ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलती है। जल की गतिज ऊर्जा जल चक्की घुमाती है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है। इस प्रकार जल विद्युत पावर स्टेशन में जल की स्थिति ऊर्जा पहले गतिज ऊर्जा और फिर बाद में गतिज ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा में बदलती है साथियों। पहले गतिज ऊर्जा में फिर बाद में किसमें बदलता है, गतिज ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ऊर्जा के रूपांतरण देखिए साथियों, उपकरण है और रूपांतरण है। देखिए डायनमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है दोस्तों, VVI है दोस्तों। आप सभी साथियों इसको रट जाइएगा दोस्तों, याद करिए कंठस्थ, डायनमो क्या है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा परिवर्तित, डायनमो क्या है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा परिवर्तित करती है। मोमबत्ती दोस्तों रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा में बदलता है दोस्तों। मोमबत्ती क्या है, मोमबत्ती जो रूपांतरण है दोस्तों, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित बदलता है दोस्तों, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन क्या है दोस्तों, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है माइक्रोफोन। लाउड स्पीकर देखिए, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है ये लाउड स्पीकर।
फिर सौर सेल देखिए दोस्तों, सौर ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में विद्युत, सौर सेल सौर ऊर्जा यानी प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है दोस्तों सौर सेल। ट्यूबलाइट देखिए, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा एवं उष्मा ऊर्जा में बदलता है दोस्तों। ट्यूबलाइट क्या है दोस्तों, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा एवं उष्मा ऊर्जा में बदलता है दोस्तों। सातवां देखिए, बिजली का बल्ब क्या होता है दोस्तों, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा एवं उष्मा ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश, बिजली का बल्ब दोस्तों, ट्यूबलाइट और बिजली का बल्ब दोस्तों सेम है, विद्युत ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा एवं उष्मा ऊर्जा में बदलता है। देखिए बैटरी दोस्तों आपका हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बैटरी क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। बिजली का मोटर देखिए, ये हो जाएगा आपको विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। विद्युत बिजली का मोटर क्या होगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करना दोस्तों। चलिए दसवां देखिए, सितार, सितार दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलना दोस्तों। सितार का, सितार का क्या, यांत्रिक ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में बदलना। फिर देखिए बिजली के पंखे क्या होते हैं, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा यानी गतिज ऊर्जा में बदलते हैं दोस्तों। उसमें पावर देखिए, उसमें पावर स्टेशन क्या हुआ दोस्तों, कोयले की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, कोयले की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। उष्मा इंजन देखिए, उसमें ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा दोस्तों, उसमें ऊर्जा क्या है यांत्रिक ऊर्जा में है दोस्तों, उसमें ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं उष्मा इंजन दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। टॉपिक नंबर दोस्तों आपका सेकेंड है सरल लोलक एवं उत्तोलक दोस्तों, इस पर चर्चा करते हैं सरल लोलक और उत्तोलक पर दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी दृढ़ छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों तरफ स्वतंत्रता पूर्वक घूम जाती है। उत्तोलक में किसी निश्चित बिंदु पर बल लगाकर किसी भी कार्य को आसानी से किया जा सकता है। उत्तोलक में तीन बिंदु होते हैं, उत्तोलकों के तीन बिंदु दोस्तों। आलम देखिए, जिस निश्चित बिंदु के चारों तरफ उत्तोलक की छड़ सफलतापूर्वक घूम जाती है, घूम सकती है, उसे आलम कहते हैं, जिसे ऐप से स्वीकृत किया करते हैं दोस्तों। जैसे देखिए आलम क्या होता है, जिस निश्चित बिंदु के चारों तरफ उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रतापूर्वक घूम जाती है उसे आलम कहते हैं, इसे ऐप से स्वीकृत किया जाता है दोस्तों। देखिए भार, भार क्या होता है, उत्तोलक का हुआ बिंदु जहाँ पर वस्तु रखी जाती है उसे भार कहते हैं तथा इसे एल से स्वीकृत किया जाता है दोस्तों। भार क्या हुआ दोस्तों, उत्तोलक का हुआ बिंदु जहाँ पर वस्तु रखी जाती है उसे भार कहते हैं और इसे एल से कहते हैं। देखिए आयास या पर्यायतन फोर्स से अंग्रेजी में बोलते हैं। उत्तोलक का हुआ बिंदु जहाँ पर बल लगाया जाता है उसे आयास या प्रयास कहते हैं दोस्तों। उत्तोलक के सिद्धांत देखिए, उत्तोलक के सिद्धांत क्या होते हैं दोस्तों, आयास गुने आयास भुजा बराबर भार गुने भार भुजा दोस्तों। हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। उत्तोलक के प्रकार देखिए साथियों, टाइप्स ऑफ लेवर, लेवर उत्तोलक तीन प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक देखिए, इस वर्ग के उत्तोलक में आलम एफ आयास ई तब भार के बीच स्थित होती है। इस प्रकार के उत्तोलकों में यांत्रिक लाभ एक से अधिक या एक के बराबर तथा एक से कम हो सकता है। सिर्फ कैंची, ग्लास और शीशा, झूला, साइकिल का ब्रेक, कैडमियम आदि है दोस्तों। देखिए फिर से देखिए, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक क्या है, इस वर्ग के उत्तोलक में आलम एफ आयास ई और भार के बीच स्थित होता है। इस प्रकार के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ एक से अधिक और या एक के बराबर होता है दोस्तों। यांत्रिक लाभ एक से अधिक या एक के बराबर दोस्तों प्रथम श्रेणी में, तथा एक से कम भी हो सकता है, जैसे कैंची, ग्लास, ग्लास, शीशा, झूला, साइकिल ब्रेक, हैंडपम्प आदि दोस्तों। प्रतिरोध आलम देखिए, श्रम और प्रतिरोध दोस्तों। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक देखिए दोस्तों, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक हो गया, इस वर्ग के उत्तोलक में आलम एफ तथा आयास ई और बीच का भार डब्लू होता है। इस प्रकार के उत्तोलक यांत्रिक लाभ सदैव एक से अधिक होता है, जैसे सरोता हो गया, द्वितीय दोस्तों नींबू निचोड़ने की मशीन,
तो देखिए आपका फिर कौन कौन सा है दोस्तों, निचुनू निचुनू मशीन, एक पहिए से कूड़ा धोने की गाड़ी, खैची, लाश, साइकिल का ब्रेक, क्लच जो होता है दोस्तों, तराजू, हैंडपम्प, कील उखाड़ने का औजार, नेल कटर दोस्तों, इसे क्या है द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक है दोस्तों। निम्न जोड़ने की मशीन श्रोता, एक पहिए की कूड़ा धोने वाली गाड़ी, कैंची, पिलास, साइकिल का ब्रेक, कल्चर, तराजू, हैंडपम्प, कील उखाड़ने की औजार और नेल कटर दोस्तों। द्वितीय वर्ग के उत्तलक में भार देखिए दोस्तों, भार मध्य में होता है। इसके एक और आलम एफ, दूसरी को आयास ई होता है दोस्तों। उत्तोलक के प्रकार देखिए, आलम देखिए दोस्तों, आलम हो गया प्रथम श्रेणी के मध्य से रहेगा, आलम जो है प्रथम श्रेणी के मध्य से रहेगा। लोड देखिए द्वितीय श्रेणी के मध्य से रहेगा लोड दोस्तों। प्रयास क्या होगा, प्रयास दोस्तों आपका हो जाएगा तृतीय श्रेणी का मध्य में रहेगा, तृतीय श्रेणी के मध्य में रहेगा दोस्तों। आला जो है प्रथम श्रेणी के मध्य में रहता है, और लोड जो है द्वितीय श्रेणी के मध्य में रहता है, प्रयास अपना तृतीय श्रेणी के मध्य में रहता है दोस्तों। चलिए देखिए तृतीय श्रेणी के उत्तोलक क्या है, इस वर्ग के उत्तोलक में आलम एफ और भार डब्ल्यू के बीच आयाम ई होता है, जिसे चिमटा, किसान का हाला, मनुष्य के हाथ इत्यादि दोस्तों। तीसरा देखिए द्वितीय वर्ग के उत्तोलक क्या होते हैं, आयास मध्य में एक और आलम तथा दूसरी और भार होता है, इसका यांत्रिक लाभ सदैव एक होता है दोस्तों। जैसे एक बेसबॉल बैट, एक धनुष, तीर, मानव, जबड़ा, बंसी, चिमटा और मनुष्य का हाथ दोस्तों। इसे देखिए तृतीय वर्ग के उत्तोलक में आयास मध्य में एक और आलम तथा दूसरी और भार होता है, इसका यांत्रिक लाभ सदैव एक होता है। जैसे एक बेसबॉल बैट, एक धनुष और तीर, मानव, जबड़ा, बंसी, चिमटा, मनुष्य का हाथ दोस्तों। ये सब किसका उदाहरण, तृतीय श्रेणी का उदाहरण है दोस्तों, तृतीय उत्तोलक दोस्तों। सरल मशीन का दैनिक जीवन के उपयोग देखिए दोस्तों, लीवर या उत्तोलक का दैनिक जीवन में उपयोग देखिए दोस्तों। उत्तोलक छड़ का भार को उठाने या ले जाने में प्रयुक्त किया जाता है, उत्तोलक छड़ का भार को उठाने या ले जाने में प्रयुक्त किया जाता है। छात्रों द्वारा हथौड़ा या छड़ का उपयोग उत्तोलक के रूप में किया जाता है, छात्रों द्वारा जो है दोस्तों हथौड़ा तथा छड़ का प्रयोग उत्तोलक के रूप में किया जाता है। दरवाजों के हाथों में भी उत्तोलक भुजा का प्रयोग किया करते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज की तरफ। स्क्रू देखिए दोस्तों, स्क्रू पेंच का दैनिक जीवन में उपयोग, स्क्रू या पेंच का दैनिक जीवन में निम्नलिखित उपयोग है। हम स्क्रू या पेंच का प्रयोग जैक मशीन टूल्स तथा प्रेस आदि में करते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट पॉइंट, स्क्रू या पेंच का प्रयोग बोतलों के ढक्कन, बे बोल्ट, विद्युत बल्ब, टोटी व कॉर्क ओपनर में करते हैं। तीसरा देखिए घिरनी का दैनिक जीवन में उपयोग दोस्तों, घिरनी का प्रयोग ध्वज पोल में झंडे को बांधने में किया जाता है, कुओं से पानी निकालने, बोरिंग कराने आदि से घिरनी को प्रयुक्त किया जाता है। कई घिरनियों को एक साथ जोड़कर काम कम बल से आवश्यकता को पूरा किया जाता है। क्या बोला गया, घिरनी का प्रयोग ध्वज पोल में झंडे को बांधने में किया जाता है, कुओं से पानी निकालने, बोरिंग करने आदि में घिरनी को प्रयुक्त किया जाता है। कई घिरनिया को एक साथ जोड़कर कम बल से आवश्यक को पूरा किया जाता है दोस्तों। चौथा पॉइंट देखिए, नत समतल का दैनिक जीवन में उपयोग दोस्तों, घर की छतें नत समतल का उदाहरण है दोस्तों। खेल के मैदान की सरकार नत समतल का उदाहरण है, खेल के मैदान की सरकन नत समतल का उदाहरण है। नत समतल की स्थिति पर ही तोप को चलाया जाता है,
समतल स्थिति पर तोप को चलाया जाता है। वस्तुओं को सुविधापूर्वक सरकाने में पीढ़ी जीना एस्केलेटर में नत समतल का प्रयोग किया जाता है। पहिए धुरी पर दैनिक जीवन में प्रयोग दोस्तों पहिए तथा धुरी का प्रयोग पहिए तथा धुरी का प्रयोग पहिए को आपस में जोड़ने के लिए करते हैं। साथ ही नेक्स्ट पॉइंट देखिए, घूमने वाले दरवाजों कार स्केटबोर्ड व साइकिल आदि में पहिए तथा धुरी का प्रयोग करते हैं। घूमने वाले दरवाजे कार स्केटबोर्ड व साइकिल आदि में पहिए तथा धुरी का प्रयोग करते हैं। साथ ही चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए चैप्टर है प्रकाश करते हैं, इस चैप्टर है प्रकाश का दोस्तों, हम लोग इसको देखते हैं ध्यान से दोस्तों। बहुत लंबा चैप्टर होता है प्रकाश से, एक दो क्वेश्चन फिक्स है दोस्तों। प्रकाश एक ऊर्जा है, क्या ऊर्जा है जो किसी वस्तु को देखने की अनुमति प्रदान करता है। प्रकाश एक कण है दोस्तों जो सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश क्या है, कण है जो सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, कैसा है, अनुप्रस्थ तरंग पर प्रकाश है। प्रकाश की उत्पत्ति के दृष्टिकोण दो भागों में बांटा गया है। प्रकाश की उत्पत्ति के दृष्टिकोण को दो भागों में बांटा गया है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम इसके गुणधर्मों का अध्ययन करते हैं प्रकाशकीय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रकाशकीय दोस्तों। प्रमुख तथ्य देखिए, सर्वप्रथम रोमर नामक वैज्ञानिक प्रकाश का वेग ज्ञात किया था दोस्तों। कौन कहता है, रोमर दोस्तों। प्रकाश का वेग निर्वात में सर्वाधिक 3.8 मीटर प्रति सेकेंड होता है साथियों, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, इसको याद रखिएगा। प्रकाश को सूर्य से धरती तक आने में लगभग 8 मिनट 19 सेकेंड का समय लगता है। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में 1.28 सेकेंड का समय लगता है। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में 1.28 सेकेंड का समय लगता है दोस्तों। रोशनी को हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। हीरा जो है दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। प्रकाश पर दूरी का मतलब होता है दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य प्रकाश 400 nm मीटर से 1700 nm मीटर होती है दोस्तों। सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। सूर्य का जो श्वेत प्रकाश है दोस्तों 7 रंगों का मिश्रण होता है। प्रकाश का रंग नीला प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। प्रकाश का रंग जो है दोस्तों नीला प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए जल की सतह फैले किरोसिन की परत सूर्य के प्रकाश में रंगहीन व्यतिकरण के कारण दिखाई देता है दोस्तों। किसके कारण, व्यतिकरण के कारण दोस्तों। ध्यान रखिए, जल की सतह पर हम लोग किरोसिन को अगर फेंक देते हैं दोस्तों, उझेल देते हैं, तो वो रंगीन प्रकाश जो दिखता है वो कैसा है, किसका कारण होता है, व्यतिकरण के कारण दिखाई देता है दोस्तों। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग, VVI है दोस्तों। देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है दोस्तों, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है दोस्तों। ये पावर में है दोस्तों, इस मत समझिएगा 108 है, ये पावर में सब है दोस्तों, ये पावर में जितना भी है ये पावर में है दोस्तों। चलिए देखिए निर्वात में क्या हुआ, प्रकाश की चाल तो 3×10⁸ हो गया, पानी में हो गया 2.25×10⁸ मीटर प्रति सेकंड दोस्तों, 2.25×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कांच में दोस्तों 2×10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 2×10⁸ मीटर प्रति सेकंड तो कांच का हो गया। और तारपीन का तेल दोस्तों 2.04×10⁸ प्रति चलिए तारपीन का तेल कितना हुआ 2.04×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। नायलॉन का साथियों हो गया 1.96×10⁸ मीटर प्रति सेकंड दोस्तों।
एक बार फिर से देख लिए, नायलॉन का हो गया 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और तारपीन का तेल हो गया दोस्तों 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, कांच का दोस्तों 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और पानी का हो गया आपका 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और प्रकाश को निर्वात में दोस्तों 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड दोस्तों प्रकाश की चाल में हिसाब है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रकाश के स्रोत देखिए, जो प्रकाश जीव जंतुओं से प्राप्त होता है, जो प्रकाश दोस्तों जीव जंतुओं से प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, जैव प्रकाश कहते हैं। जैसे जुगनू से प्राप्त प्रकाश दोस्तों प्रतिदीप्त वस्तुएं दोस्तों ल्यूमिनियस बॉडीज दोस्तों, वे वस्तुएं जो अपने स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं उसे प्रतिदीप्त वस्तुएं कहलाते हैं, कहलाती है। जैसे सूर्य हो गया आपका बल्ब हो गया दोस्तों, खुद से प्रकाश उत्पन्न करते हैं दोस्तों, और प्रतिदीप्त वस्तुएं उसे कहते हैं नॉन ल्यूमिनियस बॉडीज दोस्तों, वे वस्तुएं जिनका अपना स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता है लेकिन उन पर प्रकाश डालने पर वे दिखाई देने लगती है और प्रतिदीप्त वस्तुएं कहलाती है। जैसे में आप देखिए आपका हो जाएगा किताब दोस्तों, कुर्सी इत्यादि दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं, देखिए पारदर्शक वस्तुएं दोस्तों ट्रांसपेरेंट बॉडी, वे वस्तुएं जिनमें जिनसे होकर प्रकाश किरणें निकल जाती है वे पारदर्शक वस्तुएं कहलाती है। जैसे कांच दोस्तों, इससे वस्तु आप रोशनी मारिएगा टॉर्च दोस्तों तो ये बाहर निकल जाए, वे पारदर्शक कहलाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट देखिए अपारदर्शक वस्तुएं दोस्तों, वे वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश किरणें बाहर नहीं निकल पाती वे अपारदर्शी वस्तुएं कहलाती है। जैसे अधातुएं दोस्तों, अधातुएं जैसे धातुएं दोस्तों क्या है अपारदर्शक वस्तुएं दोस्तों, अर्धपारदर्शक वस्तुएं देखिए दोस्तों, वे वस्तुएं जिन पर प्रकाश किरणें पड़ने से उनका कुछ भाग तो अवशोषित हो जाता है तथा तो कुछ बाहर निकल जाता है, अर्धपारदर्शक वस्तुएं कहलाती है। जैसे तेल लगा हुआ कागज दोस्तों, किरण देखिए, किरण प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं, किरण किसे कहते हैं लोग, प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। किरण पुंज देखिए, किरण पुंज प्रकाश पुंज, किरणों के समूह को किरण पुंज तथा प्रकाश पुंज कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए छाया देखिए दोस्तों, जब अपारदर्शी वस्तु पर प्रकाश पड़ती है तो उसके विपरीत दिशा में एक अंधेरे क्षेत्र बन जाता है जिसे हम लोग छाया कहते हैं। इसे देखिए छाया क्या होता है, जब अपारदर्शी वस्तु पर प्रकाश पड़ती है तो उसके विपरीत दिशा में एक अंधेरा क्षेत्र बन जाता है जिसे छाया कहते हैं। देखिए प्रकाश स्रोत एवं वस्तु के बीच की दूरी, देखिए जब प्रकाश स्रोत एक वस्तु के बीच की दूरी कम करते हैं तो छाया बड़ी तथा पार करते हैं तो छाया छोटी होती है दोस्तों। फिर देखिए प्रकाश स्रोत एवं वस्तु के बीच की दूरी पर, जब प्रकाश स्रोत एक वस्तु के बीच की दूरी कम करते हैं तो छाया बड़ी तथा पार करते हैं तो छाया छोटी बनती है। दूसरा देखिए वस्तु एवं पर्दे के बीच की दूरी पर, दोस्तों इन दोनों के बीच की दूरी कम करते हैं तो छाया छोटी तथा अधिक दूरी करते हैं तो छाया बड़ी होती है दोस्तों। तीसरा पॉइंट देखिए प्रकाश स्रोत एवं वस्तु के बीच के कोण पर, इन दोनों के बीच का कोण बढ़ाते या घटाते हैं तो छाया बड़ी एवं छोटी बनती है, परंतु 90 डिग्री पर प्रकाश स्रोत हो तो सबसे छोटी छाया बनती है दोस्तों। प्रकाश के स्रोत की दीप्ति देखिए दोस्तों, प्रकाश के स्रोत की दीप्ति ल्यूमेन मात्रक तथा वाट मात्रक में अभिव्यक्त की जाती है, एक कैंडेला शक्ति बराबर दोस्तों 12.56 ल्यूमेन होता है दोस्तों, एक वाट बराबर 700 ल्यूमेन होता है। किसी पृष्ठ पर पड़ने वाले प्रकाश के किरण दिए हुए पृष्ठ की दीप्ति फुट कैनिला में मापी जाती है दोस्तों, एक फुट कैनिला बराबर दोस्तों एक ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर यानी 10.76 लाख किलोमीटर दोस्तों। ये देखिए प्रतिबिंब देखिए दोस्तों, जब प्रकाश स्रोत किसी वस्तु से होकर जाती है तो परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर आकर मिलती है उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं साथियों। प्रकाश के परावर्तन देखिए,
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दोस्तों, प्रकाश की किरण जब किसी वस्तु पर पड़ती है तथा वह किरणें उस वस्तु अथवा सतह से टकराकर लौट जाती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन दोस्तों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं दोस्तों। धुंधली या बिना पॉलिश की गई सतह वाली वस्तुओं की तुलना में चमकदार और पॉलिश की हुई वस्तुओं की सतह से अधिक प्रकाश परिवर्तित होती है दोस्तों। चांदी प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक है दोस्तों, यही वजह है कि सादे होते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज में। कांच की सीट की एक तरफ चांदी की पतली परत लगाकर समतल दर्पण बनाया जाता है। चांदी की इस परत को लाल रंग के पेंट से सुरक्षित किया जाता है दोस्तों। प्रकाश के अपवर्तन देखिए दोस्तों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश किरणें का एक पारदर्शी माध्यम से दूसरी पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन या मुड़ना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है दोस्तों। जैसे देखिए अपवर्तनांक के कारण घटित घटनाएं दोस्तों, दर में अंशतः डूबी हुई सीधी छल टेढ़ी दिखाई देना दोस्तों, ये प्रकाश अपवर्तन का कारण है दोस्तों। तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं, अपवर्तन के कारण है। और सूर्योदय के पहले या सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई देता है, ये भी आपका अपवर्तन के कारण होता है। पानी से भरे किसी बर्तन की तली में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है। फिर देखिए जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ती है दोस्तों। ये सब किसका कारण है? प्रकाश के अपवर्तन का। चलिए प्रकाश का प्रकीर्णन देखिए, स्केटरिंग ऑफ लाइट, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें अति सूक्ष्म आकार के कण जैसे धूल, धुएं के कण, वायु के अणु आदि विद्यमान हो तो इन कणों के द्वारा प्रकाश का कुछ भाग सभी दिशाओं में फैल जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं दोस्तों। लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है तथा बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रकाश के प्रकीर्णन की घटनाएं देखिए। आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है दोस्तों। आकाश का रंग जो है नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है। समुद्र तथा महासागरों के जल का रंग नीला भी प्रकाश प्रकीर्णन के कारण ही प्रतीत होता है दोस्तों। तीसरा पॉइंट देखिए, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल तप्त दिखाई देना दोस्तों, ये भी होता है प्रकीर्णन, प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रकीर्णन की घटनाएं होती है। और खतरे के संकेत में लाल रंग के प्रकाश का प्रयोग होना दोस्तों, ये भी प्रकाश के प्रकीर्णन का कारण होता है। फिर देखिए रेलगाड़ी को रोकने के लिए जो झंडी का प्रयोग किया जाता है वह लाल होता है। क्रिकेट की गेंद भी लाल होती है। अतः अस्पताल की गाड़ी पर बना क्रॉस का चिन्ह भी लाल रंग का होता है। यह सब इसलिए ताकि यह दूर से ही दिखाई दे जाए दोस्तों। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ये सब होता है दोस्तों। वर्षा वाले बादलों का श्वेत यानी सफ़ेद दिखाई देना दोस्तों प्रकाश के प्रकीर्णन का कारण है। वायुमंडल में उपस्थित धूल के कणों द्वारा प्रकीर्णन के कारण सूर्य की अनुपस्थिति में भी सूर्योदय से पहले ही सूर्योदय के पश्चात कुछ देर तक आकाश में प्रकाश बना रहता है। इस प्रकाश को संध्या प्रकाश लाइट कहते हैं दोस्तों। चलिए दर्पण के बारे में चर्चा करते हैं। मिरर दोस्तों, वह उस चमकदार तल को दर्पण कहते हैं जिससे प्रकाश का नियमित परावर्तन होता है। दर्पण के चमकदार तल को अपरावर्तक तल कहते हैं। समतल दर्पण देखिए, प्लेन मिरर दोस्तों, वैसे दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण क्या होता है? वैसे दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं दोस्तों। उपयोग देखिए, उपयोग क्या हुआ? सोलर कुकर, सौंदर्य प्रसाधन, ड्रेसिंग मिरर, पेरिस्कोप, बहुमूर्ति बनाने, सजावटी सामग्री बनाने और कैसीडोस्कोप में दोस्तों। देखिए दूसरा पॉइंट देखिए, गोली दर्पण, सेफ्रिकल मिरर दोस्तों, ऐसे दर्पण जिसका
परावर्ती पृष्ठ गोलीय होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला है एक अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर जिसे हम लोग कहते हैं। इस प्रकार के दर्पण का परावर्ती पृष्ठ दबा हुआ होता है जिसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण, कौन कन्वर्जेंट मिरर दोस्तों, जिसे हम लोग इंग्लिश में कन्वर्जेंट मिरर भी कहा करते हैं। उपयोग देखिए, इसका उपयोग होता है सोलर कुकर हयामती दर्पण के रूप में, डॉक्टरों द्वारा नाक कान और गला इत्यादि को जांच करने में, टॉर्च सर्च लाइट तथा वाहनों की हेडलाइट के रूप में दोस्तों उपयोग होता है। डिस एंटीना का जो परावर्तक पृष्ठ होता है वह भी अवतल होता है दोस्तों। सेटेलाइट से आने वाली तरंगों को यह परावर्तक पृष्ठ एंटीना के ऊपर फोकस करा देता है। किरणें देखिए दोस्तों, ये अवतल है, रिफ्लेक्ट इस बाहर की ओर से कर रहा है, और अवतल दर्पण देखिए दोस्तों अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट किरणें कर रहा है दोस्तों। ये इधर से किरणें जा रही है तो बाहर की ओर दोस्तों, ये भीतर की ओर किरणें जा रहे हैं दोस्तों, ये उत्तल दर्पण हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए उत्तल दर्पण, कॉनवेक्स मिरर, इस दर्पण, इस प्रकार के दर्पण का परावर्ती पृष्ठ उभरा हुआ रहता है। किसा रहता है? उभरा हुआ रहता है दोस्तों। इसे अपसारी क्या कहते हैं? अपसारी डाइवर्जेंट मिरर कहते हैं, डाइवर्जेंट मिरर कहते हैं दोस्तों। अपसारी मिरर कहते हैं किसे? उत्तल दर्पण को। उत्तल दर्पण के उपयोग साइड मिरर के रूप में मोटर वाहनों के पीछे का ट्रैफिक देखने में, सड़क के किनारे सोडियम परावर्तक लैंप के रूप में, शोरूम की निगरानी में, तथा सीसीटीवी कैमरे में दोस्तों हम लोग करते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं? साइड मिरर के रूप में मोटर वाहनों में पीछे का ट्रैफिक देखने में, सड़क के किनारे सोडियम परावर्तक लैंप में दोस्तों, लैंप के रूप में शोरूम की निगरानी में तथा सीसीटीवी कैमरे में दोस्तों। देखिए तीसरा क्या है? परवलयाकार दर्पण दोस्तों। देखिए ऐसा दर्पण जिसका परावर्ती पृष्ठ परवलयाकार होता है उसे परवलयाकार दर्पण कहते हैं। अवतल हो गया, उत्तल दर्पण में अंतर दोस्तों, अवतल एवं उत्तल दर्पण में, अवतल और उत्तल दर्पण में अंतर देखिए। अवतल दर्पण का परावर्ती पृष्ठ, अवतल दर्पण का परावर्ती पृष्ठ अंदर की ओर दबा हुआ रहता है दोस्तों। अवतल दर्पण का जो है परावर्ती पृष्ठ जो है अंदर की ओर दबा हुआ तथा उत्तल दर्पण का परावर्ती पृष्ठ जो है उभरा हुआ होता है दोस्तों। जैसे देखिए आपका अवतल दर्पण का फिगर देखिए आपका इस तरह होगा दोस्तों, ऐसे है, ये उभरा हुआ है दोस्तों, मतलब अंदर की ओर है दोस्तों। ये हो गया आपका अवतल दर्पण दोस्तों, और फिर उभरा हुआ जो बोला उत्तल दोस्तों, ये आपका इस तरह होगा दोस्तों, अंदर की ओर होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण। और उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं? अपसारी कहते हैं। देखिए उत्तल दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं? अपसारी कहते हैं, और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं हम लोग। तीसरा, अवतल दर्पण को, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक, प्रतिबिंब जो है वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के होते हैं दोस्तों। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का बनता है, किंतु उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है दोस्तों। उत्तल दर्पण में अगर पूछे प्रतिबिंब कैसा बनता है तो हमेशा आभासी बनता है दोस्तों। चौथा पॉइंट देखिए, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस तरह बनता है? वस्तु से बड़ा दोस्तों, अब वस्तु के बराबर या वस्तु से छोटा भी बन सकता है, किंतु उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा बनता है दोस्तों। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब पूछे हमेशा छोटा बनता है दोस्तों, वस्तु से छोटा बनेगा। पांचवा पॉइंट देखिए, अवतल दर्पण की फोकस की दूरी ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की जो फोकस की दूरी कैसा होता है? ऋणात्मक होता है दोस्तों, लेकिन उत्तल दर्पण की फोकस की दूरी धनात्मक होता है। कैसा होता है? धनात्मक होता है दोस्तों, पॉजिटिव होता है, प्लस होता है, अब वो ये माइनस होता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। विद्युत धारा है दोस्तों, कि
चैप्टर का नाम क्या है, विद्युत धारा दोस्तों। चलिए देखते हैं, आवेश दोस्तों, आवेश के लगातार प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, या किसी अनुप्रस्थ काट से प्रति एकांक समय में प्रभावित होने वाला आवेश का मान विद्युत धारा कहलाता है। माना क्यू आवेश अनुप्रस्थ काट से टी समय में गुजरता है, तो परिभाषा से इसे समझिए, उधर विद्युत धारा क्यू इंटू ई के गुना हो गया दोस्तों। चूंकि हम आवेश प्रवाह की बात कर रहे हैं, अतः आवेश धनात्मक ऋणात्मक आवेशित होगा, अतः हम कह सकते हैं कि धारा के प्रवाह में धनात्मक और ऋणात्मक आवेश योगदान करते हैं। धारा प्रवाह दोस्तों वोल्टेज बटे प्रतिरोध होता है, धारा प्रवाह क्या होता है, वोल्टेज बटे प्रतिरोध, धारा प्रवाह फिर दोस्तों शक्ति बटे वोल्टेज भी होता है, और धारा प्रवाह शक्ति बटे प्रतिरोध भी होता है दोस्तों, और धारा प्रवाह आवेश बटे समय भी होता है दोस्तों। विद्युत धारा की दिशा देखिए, विद्युत धारा की दिशा दोस्तों, धन आवेश का प्रवाह उच्च विभव, धन आवेश का प्रवाह जो है दोस्तों उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, तथा धारा का प्रवाह भी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, अतः हम कह सकते हैं कि धन आवेश तथा धारा की दिशा एक ही होती है, धन आवेश और धारा की दिशा एक ही होती है। देखिए ऋण आवेश का प्रवाह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है, तथा धारा की दिशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है, अतः कह सकते हैं कि ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन का प्रवाह धारा की दिशा के विपरीत होती है। धारा एक अदिश राशि है दोस्तों, धारा का सूत्र क्या होता है, क्यू ई के टी, इस सूत्र से हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, देखिए यहाँ दो राशियां आ रही है दोस्तों, एक आवेश और समय, दूसरा है दोस्तों समय, ये दोनों राशियां ही अदिश राशियां, अतः विद्युत धारा भी अदिश राशि है दोस्तों। विद्युत धारा का मात्रक देखिए दोस्तों, विद्युत धारा का मात्रक हो गया कूलाम बटे समय दोस्तों, -1 दोस्तों सेकंड, मतलब कूलाम बटे सेकंड मीटर हुआ दोस्तों, समय ऊपर गया माइनस हो गया, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में इसे मूल राशि माना गया है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में इसे क्या माना, मूल राशि दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में इसे एम्पियर कहा जाता है। देखिए धारा का मात्रक एम्पियर होता है, और विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का उपयोग किया जाता है, जिसे किसी भी विद्युत परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में ही जोड़ा जाता है दोस्तों, सदैव कैसे जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम दोस्तों, श्रेणी क्रम देखिए किस तरह होगा, से आर है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा R1+R2+R3 दोस्तों, इसे हम बोलेंगे श्रेणी क्रम दोस्तों। विद्युत धारा के प्रकार देखिए दोस्तों, विद्युत धारा के मुख्यतः दो प्रकार होती है, एक प्रत्यावर्ती धारा दोस्तों, अल्टरनेटिंग करंट AC हो गया जिसे बोलते हैं, एक होता है डिस्ट धारा दोस्तों, इसे डायरेक्ट DC कहते हैं। देखिए प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट दोस्तों, AC जिसे बोलते हैं हम लोग, वह विद्युत धारा जिसकी दिशा और मान परिवर्तित होता रहता है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाता है, क्या कहलाता है, प्रत्यावर्ती धारा दोस्तों। इस धारा की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है दोस्तों, इस धारा की फ्रीक्वेंसी जो होता है कितना होता है, 50 हर्ट्ज दोस्तों, इसे दूर दूर तक भेजा जा सकता है, यह अधिक खतरनाक होती है। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत अल्टरनेटर जनरेटर आदि है दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत क्या, अल्टरनेटर जनरेटर आदि दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं, देखिए प्रत्यावर्ती धारा के उपयोग, इस प्रकार की धारा का उपयोग घरों उद्योगों में किया जाता है दोस्तों, क्या बोला गया, प्रत्यावर्ती धारा का जो उपयोग है, इस प्रकार की धारा का उपयोग घरों और उद्योगों में किया जाता है, हमारे घरों में उपयोग आने वाली सामग्री से पंखा, वाटर पंप दोस्तों, जिसे सबमर्सिबल कहते हैं हम लोग देसी में, मिक्सर मशीन दोस्तों, फ्रिज, कूलर, लाइट आदि सब प्रत्यावर्ती धारा का ही प्रचलित होते हैं, प्रत्यावर्ती धारा से ही प्रचलित होते हैं दोस्तों। चलिए दूसरा देखिए, दिष्ट धारा दोस्तों, जिसे हम लोग DC कहते हैं दोस्तों, यह विद्युत धारा जिसकी दिशा व मान परिवर्तित नहीं होता है, दिष्ट धारा कहलाती है दोस्तों, क्या कहलाता है, दिष्ट धारा। देखिए इस धारा की फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं होती है दोस्तों,
इसे दूर दूर तक नहीं भेजा जा सकता है, यह कम खतरनाक होता है दोस्तों। दृष्ट धारा स्रोत देखिए, दृष्ट धारा स्रोत, दृष्ट धारा को सेल यानी बैटरी, डीसी जनरेटर आदि से स्रोत से प्राप्त किया जाता है दोस्तों। देखिए दृष्ट धारा का उपयोग होता है दोस्तों, दृष्ट धारा में दिशा व मान नियत रहने के कारण इसका उपयोग कई जगह पर किया जाता है। जैसे देखिए मोबाइल की बैटरी में दृष्ट धारा का प्रयोग होता है, इन्वर्टर बैटरी में, बैटरी चार्जिंग में, इलेक्ट्रो प्लांटिंग में, इलेक्ट्रो मैग्नेट बनाने में, पोल चार्जिंग में, रील एमसीबी में तथा अन्य सर्किट ब्रेकर, जिसे कई जगह पर दृष्ट धारा डीसी का उपयोग किया जाता है दोस्तों। जैसे देखिए महत्वपूर्ण नोट देखिए, वोल्टेज को बढ़ाने के लिए सेल को श्रृंखला में व्यवस्थित किया जाता है। वोल्टेज को बढ़ाने के लिए दोस्तों, जो जिसे हम लोग स्टेबलाइजर कहते हैं, श्रृंखला में व्यवस्थित किया जाता है। धारा को बढ़ाने के लिए सेल को समांतर में व्यवस्थित करते हैं, तो सेल को किस में व्यवस्थित करते हैं, समांतर श्रेणी में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अमीटर वह उपकरण जिसका उपयोग एक विद्युत परिपथ विद्युत प्रवाह को मापने के लिए किया जाता है। विद्युत परिपथ में विद्युत प्रवाह को मापने के लिए किया जाता है, उसे अमीटर कहते हैं। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध सदैव शून्य होता है दोस्तों। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है जो सदैव विद्युत परिपथ श्रृंखला में जुड़ा होता है। इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है दोस्तों। देखिए वोल्टमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। इसे समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखिए, गैल्वेनोमीटर देखिए दोस्तों। गैल्वेनोमीटर एक उपकरण है दोस्तों जिसका उपयोग किसी विद्युत परिपथ में छोटी विद्युत धाराओं का पता लगाने और मापने के लिए किया जाता है। यह 10^-6 एम्पियर तक की धारा माप सकता है दोस्तों। यह एक गैल्वेनोमीटर को उसके समांतर एक संट जोड़कर अमीटर में बदल सकता है दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं। संट जो है दोस्तों एक छोटा तार होता है जिसमें बहुत कम प्रतिरोध होता है दोस्तों, जिसे हम लोग हिंदी में देहाती में दोस्तों फ्यूज कहते हैं दोस्तों। फ्यूज ही कहते हैं दोस्तों। हम एक गैल्वेनोमीटर को उसकी श्रृंखला में एक बहुत ही उच्च प्रतिरोध को जोड़कर वोल्टमीटर में परिवर्तित कर देते हैं। पोटेंशियोमीटर दोस्तों देखिए, पोटेंशियोमीटर क्या होता है, इसका उपयोग सेल के आंतरिक प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है दोस्तों। विद्युत धारा की प्रवाह धनात्मक प्लस में से ऋणात्मक माइनस होती है दोस्तों। विद्युत धारा की प्रवाह धनात्मक ऋणात्मक होती है। इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दिशा ऋणात्मक माइनस से और धनात्मक प्लस पॉजिटिव होती है दोस्तों। सुचालक और इंसुलेटर क्या होता है। कंडक्टर देखिए, वह पदार्थ जो विद्युत आवेशों को आसानी से प्रभावित होने देते हैं, चालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, चालक दोस्तों। चालक धारा के प्रवाह के लिए बहुत कम प्रतिरोध उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए तांबा, चांदी, एल्युमिनियम आदि दोस्तों। इंसुलेटर देखिए दोस्तों, एक पदार्थ जिसका असीम रूप से उच्च प्रतिरोध होता है, वह विद्युत को प्रभावित नहीं होने देता है दोस्तों। इसे क्या कहते हैं इंसुलेटर कहा जाता है। उदाहरण के लिए रबर, कांच, प्लास्टिक, एवोनाइट दोस्तों। देखिए विद्युत परिपथ देखिए, इलेक्ट्रिक करंट दोस्तों, विद्युत धारा प्रवाह के लिए तैयार किया गया बंद एवं पूर्ण मार्ग परिपथ कहलाता है। किसी विद्युत परिपथ के मुख्य घटक निम्न होते हैं दोस्तों। सप्लाई स्रोत देखिए दोस्तों,
सोर्स ऑफ सप्लाई बैटरी हो गया, जनित्र सॉकेट, जनित्र हो गया सॉकेट आदि। दोस्तों देखिए दूसरा क्या है, सुरक्षा युक्ति सेफ्टी डिवाइस दोस्तों, जैसे फ्यूज हो गया, थर्मल हो गया, रिले आदि। दोस्तों नियंत्रण नियंत्रक युक्ति दोस्तों देखिए, स्विच हो गया, सर्किट ब्रेकर आदि। दोस्तों चौथा उपभोक्ता युक्ति देखिए दोस्तों, कंज्यूमिंग डिवाइस हो गया, बल्ब ट्यूब लाइट हीटर पंखा आदि। दोस्तों सेल देखिए, सेल वैसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है, उसे हम लोग सेल में टू टर्मिनल प्लस माइनस होता है। दोस्तों बैटरी देखिए, सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं, बैटरी किसे कहते हैं, सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। स्विच देखिए, यह एक ऐसी युक्ति है जो परिपथ के प्रवाह को चालू और बंद करती है, जिसे स्विच कहते हैं। फ्यूज देखिए, फ्यूज आपका एक ऐसी युक्ति है जो हमारे घर में विभिन्न मशीनों को नष्ट होने से बचाता है, उसे हम फ्यूज कहते हैं। बल्ब देखिए दोस्तों, यह एक ऐसी देखिए, बल्ब एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है। बल्ब की खोज थॉमस अल्वा एडिसन ने द्वारा किया गया था। दोस्तों धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। ये सेट फोर है दोस्तों, अब आपका सेट फाइव आएगा, उसमें आपका फिर एक घंटे का एपिसोड रहेगा, उसमें आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। दोस्तों धन्यवाद साथियों, चलिए हम